जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मनुष्य का परम ध्येय एक ही है, भगवान के पावन प्रेम की प्राप्ति। विषय आसक्ति तथा विषय कामना इसमें बड़ी बाधक है। किसी प्रकार प्राणों की बाजी लगाकर भी विषय आसक्ति तथा विषय कामना का परित्याग करना है। ये छिपी रहती हैं और कभी कभी भगवान के प्रेम के नाम पर भी धोखा दे जाती हैं। मन को भगवान के अर्पण करके उन्हीं को निरंतर उसमें विराजित रखना चाहिए, जिससे संसार और संसार की विषय वासना मन में घुसने ही ना पाए। बड़ी सावधानी तथा बड़ी मजबूती के साथ यह कार्य करना है। भगवान की अखंड मधुर स्मृति और विषयों से आत्यंतिक उपरति यही साधना है। श्री भगवान की कृपा का सदा अनुभव करते रहना चाहिए। भगवत कृपा कभी कभी बड़े प्रतिकूल रूप में आया करती है, उस समय भी कृपा की अनुभूति तथा कृपा में प्रभु के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। जगत क्षण भंगुर है, यहाँ कुछ भी स्थिर और नित्य नहीं है। प्रभु का दर्शन हर समय हर हालत में करते रहना चाहिए। यह भगवत कृपा पर विश्वास करके उसका अनुभव करते रहने से ही होता है। श्री भगवान की बड़ी ही कृपा है। भगवान का इतना अगाध प्रेम है हम जीवों पर कि उसकी कहीं तुलना ही नहीं है। वे सदा ही हमसे मिलने के लिए आतुर रहते हैं, नहीं नहीं मिले ही रहते हैं। नित्य निरंतर सर्वत्र सर्वथा उनकी सन्निधि का अनुभव करते रहना चाहिए। भगवत प्रेम रस सुधा का पान करते करते कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। जीवन के दिन बीते जा रहे हैं, कितने साथी परिचित चले गए, मानो वे थे ही नहीं। यही दशा हम सबकी होने वाली है। भगवान के स्मरण में भगवत भजन में ही जीवन का प्रत्येक क्षण बीतना चाहिए। संसार के पदार्थों की अनित्यता हमारे सामने है, धन जन सभी क्षण भंगुर हैं। इस स्थिति में विशेष चेष्टा करके हम लोगों को भगवत भजन में लगना चाहिए। भगवान का स्मरण सदा बनाए रखना। जीवन अत्यंत क्षण भंगुर है, इसे किसी भी तरह किसी भी भाव से विषय सेवन में नहीं लगाना चाहिए। जीवन का एक एक पल भजन में ही बीतना चाहिए, तभी मानव शरीर की सार्थकता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सत्य।